हाय गाइस, वेलकम टू बैक माय व्लॉग। मैं आज आया था गया मेन सिटी पे, वहाँ थोड़ा क्या बोले था काम था, यूनिवर्सिटी में किया था, वहाँ थोड़ा करेक्शन करवाना था। फादर के नाम पे थोड़ा मिस्टेक हो रहा था, जिस वजह से मसला थोड़ा खड़ा हो रहा है, तो मैं गया आया हुआ था। तो ये अभी कॉलेज से इंफॉर्मेशन ले लिया मुझे क्या क्या सबमिट करना होगा उसके लिए। अभी इंफॉर्मेशन ले करके मैं अभी ट्रेन में हूँ, अभी मैं रवाना हो रहा हूँ नवादा के लिए। नवादा एक फ्रेंड का घर है और वहीं भी रहती हैं, तो हम लोग से ही मुलाकात हो जाएगी। और फिर लेने वहाँ पर भी फिर ले लेते हैं क्या वहाँ का नज़ारा है, कैसा क्या है। फिर आपको वहाँ पर नवादा का भी आएगा तो वहाँ पर भी डालूँगा। और बाकी अभी मैं कॉलेज का दिखाता हूँ, जहाँ मैं किया था कार्यालय में, तो वहाँ का आप सीन देखिए, बहुत ही खूबसूरत बना हुआ, बहुत ही अच्छा है, काफ़ी लंबा चौड़ा है, एरिया भी बहुत ज़्यादा लिया हुआ है। और चलिए मैं आप लोगों को वो सीन दिखाता हूँ, फिर मैं आप लोग से आगे बढ़ता हूँ। हाँ, तो जहाँ तक आप लोग ये देख रहे हैं यही है कॉलेज मैंने किया, तो वहाँ यूनिवर्सिटी से मुझे यहाँ भेज दिया गया परीक्षा भवन। ये आपका जाकर के बिहार बोर्ड है, गया में आपका गोलबीघा, आप देख रहे हैं गोलबीघा पुरानी बस स्टैंड गांधी मैदान के पास ही ये क्या बोला जाता है बिल्डिंग बना हुआ है। तो वहाँ मैंने गया, वहाँ से सारा इन्फॉर्मेशन ले लिया मुझे उसके लिए क्या क्या करना होगा। तो उन्होंने 17-18 चीज़ मुझे बताया है जो हर कुछ ला के मुझे सबमिट करना है, तो जिस वजह से फिर करेक्शन हो जाएगा। तो अब कल तो संडे हो जाता है, कल तो मुश्किल पॉसिबल ही नहीं है। अब मंडे को पहले कोर्ट का काम करवाना होगा, एफिडेविट भी उन्होंने मांगा है हमारा और पापा का, दो आदमी का एफिडेविट भी देना होगा। तो एफिडेविट देने के बाद फिर यहाँ सबमिट करना होगा। सोमवार को कोर्ट का काम अगर हो जाता है तो फिर मंगल को मैं यहाँ आऊँगा, फिर मंगल को यहाँ से अपना काम कराऊँगा। ये देख लीजिए, बिल्डिंग के अंदर का ही पूरा एरिया मैंने कैप्चर किया, ये चारों तरफ का बहुत सा मिट्टी ऐसा ही पलीत ज़मीन है। बाकी ये फ्रंट का है जो आप देख रहे हैं सी, बाकी बैक साइड से भी काउंटर है पूछताछ के लिए, वहाँ से इन्फॉर्मेशन मैंने सब लिया है। वो मैं सीन कैप्चर नहीं कर पाया क्योंकि वहाँ पर ही थोड़ा जल्दी में था, इसीलिए मैं इधर से फ्रंट में आया था। तो इधर से मैं बोला चलो एक वीडियो आपको आप लोग के लिए भी आप लोग की भी जानकारी में हो जाएगा ये किस जगह में क्या है। अगर किसी तरीके का कोई मसला आता आप लोग को भी, तो आप लोग भी अपना इसी तरीके से अपना मसला का हल निकाल सकते हैं। क्योंकि पहले तो टोटल क्या बोल जाता है आपका जाकर के डिस्ट्रिक्ट लेवल के हिसाब से तो था, तो अभी तो वो चेंज कर दिया आस्ते आस्ते हर कुछ। तो अभी आप देख सकते हैं, ये देखिए पहले सबका ए टू जेड जितना था सबका पटना ही में दिया था, अभी सबका आस्ते 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 चेंज किया है। तो मैंने पहले पटना ही किया था, पटना से इन्फॉर्मेशन लिया, तो उन्होंने मुझे बताया आपका यहाँ है वहाँ से आप करवा ले सकते हैं। तो फिर मैंने वहाँ से पता किया तो मुझे यहाँ का लोकेशन मालूम चला, फिर मैं यहाँ आया। तो आज की हमारी वीडियो कैसी लगी आप लोग ज़रूर मुझे बताएं। और जिन लोगों ने मुझे अभी तक से सब्सक्राइब नहीं किया, फॉलो नहीं किया, तो प्लीज़ वो सब्सक्राइब कर लें। और मैं इसी तरीके से हर जगह का वीडियो आप लोग के साथ शेयर करते रहता हूँ। और बाकी बेल आइकन भी दबा दें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आए तो सबसे पहले आपको मिल सके। चलिए फिर मिलता कोई नई जगह पर नए टॉपिक के साथ, जब तक के लिए दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर, गुड बाय।